शिरडी के साईं बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा पर एक बयान दिया है, जिसके बाद देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। अब इस बहस के बीच में अखिल भारतीय संत समिति भी कूद गई है। अखिल भारतीय संत समिति ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बयान जारी करके कहा, किसी भी साधु संत या सन्यासी के भगवान मानने पर संत समाज को आपत्ति है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति अपना समर्थन जताया है। स्वामी जितेंद्रनंद ने कहा है कि संत समाज को किसी भी साधु संत या फकीर के वंदनीय होने से कोई आपत्ति नहीं है। लोग चाहे तो इन साधु संतों और फकीरों की वंदना करें, सम्मान करें, लेकिन भगवान के समकक्ष दर्जा देना यह संत समिति को स्वीकार नहीं है। ये एक गलत परंपरा शुरू हो गई है और संत समाज इसका विरोध करता है। अखिल भारतीय संत समिति का साईं बाबा प्रकरण में सिर्फ इतना ही मानना है कि देश के किसी भी संत फकीर साधु को महिमा मंडित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या गलत कहा? कहा हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते। संत मानना, फकीर मानना, साधु मानना और उस रूप में उसकी पूजा करना, उसकी वंदना करना, गुरु रूप में, गुरु तत्व में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु किसी को भी हम भगवान के समकक्ष बिठा दें यह ठीक प्रवृत्ति नहीं है। यह चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।